हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? इवनिंग के टाइम जो है 5 o'clock हुई है। अर्श जस्ट स्कूल से आया, उसके लिए जूस दे रही हूँ। बहुत ही गर्मी है। आप लोग उधर कैसा है गर्मी बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्ट एंड पीस इन हेवन डॉक्टर मामिता देवनाथ। उनके साथ जो हुआ था कलकत्ता में, वैसा होना नहीं चाहिए। एक लड़की को माँ बाप कितनी तकलीफ से गुजर के एक पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, डॉक्टर बनाते हैं ताकि दूसरों की सेवा कर सके। आज उनके साथ जो हुआ था, उस जिसने किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आज मम्मी लोग के लिए अच्छे से डिनर बना के खिलाऊंगी सोच के मैं आज बनाने जा रही हूँ मलाई पनीर। और इसके लिए जो है मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। मलाई पनीर के लिए मैंने डाला है यहाँ पे 2 पीस पनीर और थोड़ा सा जो है काजू, प्याज, हल्दी, नमक, जीरा धनिया की पाउडर वही डाली हूँ। अब इसको मैं पीस लेती हूँ। फाइन सा पेस्ट बन गई है इस तरह से। इसको साइड कर लेती हूँ। अब मैं कट कर लेती हूँ पनीर। यहाँ पे मैं ले रही हूँ साबुत जीरा धनिया और इसमें तेज पत्ता और यहाँ पे टमाटर और प्याज को जो चॉप किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है पिसा हुआ ग्रेवी ऐड कर देती हूँ। थोड़ी देर जो है 5 मिनट तक इसको पकने देती हूँ मसाला ग्रेवी को। जो है इस साइड जो है दाल को छौंक लगा रही हूँ, लहसुन और प्याज। और जो है धनिया, पानी, थोड़ा सा जो है लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी, ऊपर से जो है धनिया। और धनिया डालने के बाद जो है ऐड कर देती हूँ मलाई। ये ताजा मलाई है घर की, इसको ढक देती हूँ, ढक के पकने देती हूँ। और अभी यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ कुकुम्बर की रायता। रायता को जो क्रश कर लिया था पहले से, उसमें दही मिला ली। रायता में मैंने काला जीरा, मेथी और मिर्च से मैंने छौंक लगा दिया। अब मैंने राइस बैठा रही हूँ। इतना गंदा हुआ देखिए फ्रेंड्स। अब इसको मैं इसी से साफ करूंगी, बहुत ही जल्द साफ होगी, मगर जब राइस पकेगी तब साफ करूंगी, इतना गंदा हुआ।
और खाना जो है पक चुकी है और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ, प्लेटें वगैरह सर्व करने के लिए रेडी करके रखी हुई हूँ। और सबसे पहले मैं अर्श और बुआ को दे दूँगी। और हम सब मिलके सभी अच्छे तरह से हम लोग ने डिनर कर लिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की सुबह यहाँ मैं रात को धोया हुआ बर्तन जो है सब सेट करके रख रही हूँ। और यहाँ पे तेल ख़त्म हो गया जी, तेल भरा रही हूँ। सवेरे उठने के बाद जो सबसे पहले मैंने गर्म पानी दी सबको, और गर्म पानी पीने के थोड़ी देर बाद जो है मैं ब्लैक टी बना के दे देती हूँ। उसके बाद जो है मैं बेड वगैरह मिलाती हूँ, उस बेड वगैरह मिलाने के बाद जो है ब्रेकफास्ट बना लेंगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में रात को ही मैं बना दूध पका के रखी हुई थी कस्टर्ड पाउडर डाल के, क्योंकि मिठाई खाने का मन कर रहा था, बोल रही थी मम्मी। और मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेड की रसमलाई। उसके लिए जो ब्रेड को फ्रेश ब्रेड को ले लिया मैंने, और उनको बीच बीच से जो कट कर ली ग्लास की शेप दे के, और उसके ऊपर जो है। और रात को मैं दूध की मलाई बना के रखी हुई थी, और उसके ऊपर जो है सर्व कर लेती हूँ तो बन जाती है ब्रेड की बहुत ही मीठी सी रसमलाई। और मम्मी लोग को जो है बहुत ही डिलीशियस लगा बोल रही थी, और रेसिपी भी पूछ रही थी क्या क्या डालियो बोल के चाची।
और उतने में चाचा आए थे, चाचा के साथ मम्मी लोग सब बात करके बैठे हैं। और मैं थोड़ा गर्मी भी है बोल के लस्सी दे रही हूँ चाचा को, और स्पेशल से चाय बना के दे दी। और बोल रही थी कि आज उपवास है बोल के, कुछ नहीं खाए, सिर्फ लस्सी, उसके बाद जो स्पेशल से चाय। और आज मम्मी लोग जा रहे हैं वापस गुवाहाटी, और इतने दिन रहे, दुख भी लग रहा है। और मम्मी लोग तो ज़्यादा दिन नहीं बैठे, सिर्फ 4 दिन ही बैठे मेरे घर पे, और बुआ जो है 1 महीने बैठी। मुझे बहुत दुख भी लग रहा है, इसलिए चाचा भी मिलने आए थे जाते समय। और यहाँ मैं बना रही हूँ स्पेशल से लंच। आज लंच में जो है वेज आइटम बना रही हूँ, मूली आलू की सब्ज़ी, ग्रेवी और अचार बना रही हूँ, तिल की अचार बना रही हूँ, करेला और तिल की। उसके बाद जो है चिली कैप्सिकम बना रही हूँ, और दही होगा साथ में, दाल भी होगा। और यहाँ मैं चॉप कर ली प्याज, लहसुन और टमाटर को अच्छी तरह से, और करेला डाल के गर्म हो जाती है तब ऊपर से जो है चॉप किया हुआ ऐड कर देती हूँ। ऐड करके थोड़ी देर जो है भून लेती हूँ। भूनने के बाद जो है ऊपर से मैं डाल देती हूँ मूली, कट के रखी हुई थी मूली और आलू को डाल के उसके ऊपर जो नमक हल्दी रख के थोड़ी देर चला लेती हूँ। चलाने के बाद जो ऊपर से थी जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल के ढक्कन लगा के सीटी लगा देती हूँ, बन जाती है ये बहुत ही डिलीशियस जो है मूली और आलू की जो है ग्रेवी। और दूसरी साइड पैन में मैं बना रही हूँ नेपाली तिल की अचार चीते करेला की, और उसमें जो है पैन पे ऑयल गर्म होने पर उसके ऊपर जो है जीरा धनिया डाल के साबुत भून लेती हूँ। भूनने के बाद जो है ऐड कर देती हूँ हरी मिर्च कट करके, उसके बाद जो है ऐड कर देती हूँ करेला जो कट करके लंबी लंबी पीस में कट करके रखी हुई थी, और आलू को जो है बॉयल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने इसको ऐड करके भून लिया अच्छी तरह से। भूनने के बाद जो ऊपर से तिल डाल देती हूँ, तेल डालने के बाद थोड़ी देर जो है चला लेती हूँ। चलाने के बाद जो है ऊपर से जो है हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डाल के, और ऊपर से ऐड कर देती हूँ चुक अमीलो, हम लोग चुक अमीलो बोलते हैं, और थोड़ी देर ढक के जो है पकने देती हूँ। और थोड़ी देर जो है पकने के बाद जो ऊपर से जो है बारीक प्याज और लहसुन काट के रखी हुई थी उसको ऐड कर देती हूँ ऊपर से, बहुत ही टेस्टी बन जाती है तिल की और आलू की जो तीते करेला की अचार, बहुत ही टेस्टी होती है। आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और एक साइड में बना रही हूँ टमाटो चिली कैप्सिकम, ये तेल गर्म होने पर ऊपर से जो प्याज और लहसुन डाल लेती हूँ, और थोड़ी सी मिर्च और कैप्सिकम जो कट के रखी हुई थी उसको ऐड कर देती हूँ, और टमाटो को ऐड करती हूँ, ऊपर से जो प्याज ऐड करके थोड़ी देर भून लेती हूँ। भूनने के बाद जो हल्दी नमक स्वाद अनुसार डाल के ऊपर से जो है टमाटो केचप ऐड कर देती हूँ, तो बन जाती है बहुत ही डिलीशियस सी चिली कैप्सिकम, टमाटो चिली कैप्सिकम। हो गई लंच, इसमें है राइस और दाल, दही हुआ, अचार हुआ, करेला आलू और प्याज लहसुन की, उसके बाद जो है टमाटो कैप्सिकम चिली कैप्सिकम बनाई थी, और यहाँ हुई मूली और आलू की सब्जी। ये रहा आज का लंच। हेलो, हाय। आज हम जा रहे हैं, भतीजी के घर में आई थी, आज 1 महीना तक बैठी, इतना दिन बैठी, खराब भी लग रहा है, जा रही हूँ।
बाय बाय। सबसे पहले बुआ को रोना आ गया और मैं भी रो गई, इमोशंस भरा सीन था। और यहाँ मैं दे रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड तीनों को और एक खा के चले जाएंगे। अभी जो है नाइट सुपर से जाएंगे यहाँ से, और उधर से जो है राजधानी एक्सप्रेस की टिकट हो करके रखी हुई है। और एसी बस भी बहुत ही अच्छा था, फीफा एयरबेस बहुत ही अच्छा था, और प्रत्येक सीट पर एक कंबल दिया गया था। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं इतने में एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड सी यू अगेन, बाय।